एग्जाम्पल नंबर 5, दो बिंदुओं ए और बी पर प्रक्षेपित करते हैं, एडी और एसी दोनों वृत्तों के व्यास हैं। सिद्ध कीजिए कि बी रेखाखंड डीसी पर स्थित है और ये आकृति आपको दिया गया है। या क्या रखे ध्यान से, या दो वृत्त है, एक वृत्त ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक ओ डैश केंद्र वाला एक वृत्त है। देखो ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास एडी है और ओ डैश केंद्र वाले वृत्त का व्यास एसी है। आपको यह सिद्ध करना है क्या जो बी होगा ये डीसी रेखाखंड में स्थित होगा। मतलब आपको सिद्ध करना है क्या, डी बी सी एक सरलरेखा सिद्ध करना है। क्या करना है, सरलरेखा सिद्ध करना है। ये कैसे करते हैं, देखो यहां लिखेंगे प्रमाण, डायरेक्ट को प्रमाण। देखिए ये व्यास है ना मेरा, जब ये व्यास है तो हम लोग पढ़े हुए, देखो चूंकि एडी वृत्त का व्यास है तो हम लोग क्या पढ़े थे, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, समकोण होता है। इसलिए क्या लिखेंगे आप, ए बी डी ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा, ए बी डी 90 डिग्री, ये समीकरण एक होगा। ठीक है, फिर लिखिए पुनः देखो एसी, एसी इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए ना, इसे एसी जो है वृत्त का व्यास है तो हम क्या लिखेंगे, देयरफोर ए बी सी एंगल ए बी सी ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई, तो क्या बोलोगे, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब देखो समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, समीकरण एक एवं दो को जोड़ने पर, अब दोनों को क्या करते हैं, लोग जोड़ देते हैं किसको, इन दोनों को, तो क्या जाए कोण ए बी डी जोड़ कोण ए बी सी बराबर इधर हो गया 90 जोड़ 90। ठीक है, अब इसको यहां लिख दीजिए। इसलिए अब बताओ ये कोण 90, ये कोण 90 है तो ये पूरा कोण हो जाएगा डी बी सी, इसको लिखेंगे डी बी सी बराबर 180। जब डी बी सी 180 हो गया हम यहां लिख देंगे अतः डी बी सी एक सरल रेखा है। ठीक है, जब सरल रेखा है इसीलिए अब क्या लिखेंगे डी डी रेखाखंड, रेखाखंड डीसी पर स्थित है, स्थित है, लिख दीजिए हैंड्स प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर आपको डी नहीं होगा ना, यहाँ पर बी होगा ना, बी रेखाखंड डीसी पर स्थित है होना चाहिए, गलती से लिख दिया हमने, यहाँ पर बोलिए क्योंकि बी होगा ना,